horizontal resistance is also called as horizontal resistance ko aur kya kaha jata hai? Non-specific resistance, race-specific resistance, oligogenic resistance ya inme se kuch bhi nahi. Dekhiye horizontal resistance ko hum non-specific resistance kaha jata hai. Answer A, non-specific resistance. Hamara next question. Concept of horizontal resistance is given by horizontal resistance ka concept kisne diya tha? Van der Planck, De Vries, Tenniman Baltimore. Easy. Yeh answer A, Van der Planck. Line into tester analysis is useful for line into tester analysis. GCA and SCA variance, GCA and SCA effects both. तो ये दोनों के लिए किया जाता है तो आंसर सी बोथ. विच मार्कर इज कोडोमिनेंट, इनमें से कौन सी मार्कर कोडोमिनेंट है? एएफएलपी, आरएफएलपी, आरएपीडी, एसएसआर. जी हाँ, इसका आंसर आरएफएलपी है. बी, फ्लावर सर्व इज वैरायटी ऑफ, तो ये जान लीजिए फ्लावर सर्व इज ट्रांसजेनिक वैरायटी और ये वैरायटी टोमेटो की. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लॉइड स्पीशीज ऑफ ब्रासिका, ब्रासिका की डिप्लॉइड स्पीशीज कौन सी है? अगर आपको ब्रासिका का यू नागाहारू का यू ट्रायंगल याद होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे. आंसर ए, ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस. नेक्स्ट, टेट्राप्लॉइड स्पीशीज ऑफ ब्रासिका, दैट इज कैंपेस्ट्रिस जुन्सिया निग्रा और ओलेरेसिया. तो ये जुन्सिया है, टेट्राप्लॉइड स्पीशीज है ब्रासिका. ब्रासिका जुन्सिया इज अ क्रॉस बिटवीन, ब्रासिका जुन्सिया किसका क्रॉस था? ये है कैंपेस्ट्रिस और निग्रा का क्रॉस था, दैट इज बी. रोल ऑफ एनबीपीजीआर, एनबीपीजीआर का क्या रोल होता है? कलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म, इंस्पेक्शन एंड क्वारंटाइन, सेटिंग अप नेचुरल जीन सेंचुरीज, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे काम एनबीपीजीआर करता है. क्वारंटाइन इज डन बाय, क्वारंटाइन कौन करता है? एनबीपीजीआर, एफआरआई, पीएसआई और सब, ऑल ऑफ दिस. ये इसका आंसर आएगा सब, ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्वारंटाइन का काम करते हैं. क्वाइक्स इज फाउंड विद द स्पीशीज ऑफ शुगरकेन, मेज, सॉर्गम और बार्ली. क्वाइक्स एक स्पीशीज है जो मेज में पाई जाती है. आंसर बी, मेज. क्वाइक स्पीशीज इसका मेज की एवोल्यूशन में एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट 280 इज द वैरायटी ऑफ, करंट 280 इनमें से कौन से इसकी वैरायटी है? देखिए ऑप्शन क्या है, बार्ली सॉल्ट टॉलरेंट, व्हीट सॉल्ट टॉलरेंट, बार्ली ड्रॉट टॉलरेंट, व्हीट ड्रॉट टॉलरेंट. करंट 280 बार्ली की वैरायटी है, ड्रॉट टॉलरेंट. आंसर सी. ईएसटी लाइब्रेरी इज द सोर्स ऑफ, तो इसका आंसर है रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस. आंसर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ एनबीपीजीआर, इनमें से एनबीपीजीआर कौन सा काम नहीं करता? कलेक्शन, क्वारंटाइन, कंजर्वेशन, प्लांट ब्रीडर राइट. प्लांट ब्रीडर राइट का काम एनबीपीजीआर नहीं करता. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, ट्रू वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय विच इक्विपमेंट, पोरोमीटर, लाइसीमीटर, साइक्रोमीटर और इनमें से कोई भी नहीं. यस, इट इज पोरोमीटर. विच केमिकल इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट को स्टरलाइज करने में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? यस, इट इज इथेनॉल. प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमर्जेंस टॉलरेंस इन राइस, सबमर्जेंस टॉलरेंस राइस में कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे कि राइस एक वाटर लविंग क्रॉप है, इसके लिए एबीए रिस्पॉन्सिबल होता है. द हाई जेनेटिक वेरियंस इन पॉपुलेशन इज ऑब्टेंड थ्रू विच ब्रीडिंग मेथड. देखिए हाई जेनेटिक वेरियंस, वेरियंस मीन्स वेरिएशन, वेरिएशन कहां से मिलेगा? पेडिग्री या बल,
Yes, it is bulk. Option B. Concept of core collection was given by Frankel, Roberts, Harlan, or Reitz? Yes, it is Frankel, 1984. Causal organism for leaf rust of wheat. Leaf rust, wheat, wheat, जैसे कि आपको पता है, wheat में rust एक important disease है. इसका answer आएगा Puccinia recondita. Classification of orthodox and recalcitrant seed is given by. तो आपको पता होगा orthodox और recalcitrant seed से classes है seed के. Based on the moisture and storage capacity. Frankel, Roberts, Harlan, Reitz. तो इसका आंसर है Roberts. Roberts ने किया था 1973. Norrington B is the mutation of. Norrington हमें पता है ये wheat में dwarfing gene होता है. ये एक्चुअली टर्की रेड से आया है. जीन ट्रांसफर बिटवीन सेक्सुअली इनकम्पैटिबल स्पीशीज इज अचीव्ड बाय. देखिए, जीन ट्रांसफर बिटवीन सेक्सुअली इनकम्पैटिबल स्पीशीज. इनकम्पैटिबल स्पीशीज मींस जो दो कंपैटिबल स्पीशीज नहीं है उनमें डायरेक्टली क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो थर्ड स्पीशीज जो कंपैटिबल होती है उससे क्रॉस किया जाता है, तो उसे कहते हैं ब्रिजिंग क्रॉस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज percent of agarose gel required for assessing the integrity of selected genomic DNA from eukaryotes. इसे घुमा फिरा कर पूछा गया है, agarose gel कितना लगता है genomic DNA, eukaryote के genomic DNA को study करने के लिए. It's 1.5%. B. GI tag for Darjeeling tea is classified under. तो ये easy है, agriculture. Genetic erosion refers to. Genetic erosion किसे कहा जाता है? जब only beneficial genes lost होते हैं, या फिर harmful alleles और alleles lost और any allele lost. Yes, it is A. Only beneficial genes जब lost होते तब. RNAi first time reported in which of the following? Yes, it is A. C. ligands. ये एक नेमाटोड है. एम ऑफ पेडिग्री मेथड. पेडिग्री मेथड का क्या एम होता है? प्योर लाइन बनाना, कंपोजिट और हाइब्रिड बनाना. इट्स प्योर लाइन बनाना, दैट इज ए. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोटैटो जर्मप्लाज्म सीआईपी, आईपीजीआरआई, सीआईएमएमवाईटी और आईआईटी. इट्स सीआईपी. जीनोटाइप ऑफ पैरेंट फॉर प्रोजेनी विच इज 315 रेड पर्पल, जिसका आरआरपीपी 315 रेड ग्रीन, जिसे आरआर कैपिटल आरआर स्मॉल पीपी, 260 येलो पर्पल स्मॉल वाई वाई कैपिटल पीपी, 180 येलो ग्रीन दैट इज स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल पी स्मॉल पी. तो आप जब इसका डायग्राम बनाओगे, इसका क्रॉस बनाओगे, तो आपको पता चलेगा पीनेट स्क्वायर थ्रू कि इसके पेरेंट्स थे आरआरपी कैपिटल कैपिटल आर पीपी पीपी smaller smaller small to small. Certification is not required for seed. इनमें से कौन से seed को certification की जरूरत नहीं? Breeder seed, foundation seed, certified seed या किसी को भी नहीं रखता? इसका आंसर है breeder seed. Breeder seed को seed certification की जरूरत नहीं होती. Next question है, Swarna variety is a cross of. Swarna variety किसका cross है? तो ये Vashishta and Masuri का cross है. Swarna है एक rice की variety है, बहुत पॉपुलर वैरायटी है तब की. कॉइलिंग ऑफ स्नेल सेग्रीगेशन इन विच स्टेज, यहां पूछा गया है जो स्नेल में कॉइलिंग होती है वो उसमें सेग्रीगेशन कौन से स्टेज में पता चलता है, कौन से स्टेज में होता है? F1, F2, F3 और F4. F2 जनरेशन में सेग्रीगेशन देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is transfection? It is the process of deliberately introducing naked or purified nucleic acids into eukaryotic cells. Iska answer A. Maximum recognition site occur in which endonucleus? That is HIND 3, PALM 1 or ECOR 1. That is ECOR 1. RNAi interference
is first discovered in which? It's C. elegans. That is Cereno habitat is elegans. A. Barley aneuploidy. That is balanced tertiary trisomy. Jo barley mein found hota hai. Lac operon mutation occurs at. Lac operon mein mutation kahan occur hota hai? That is, it is at repressor site. Translocation in chromosome 2 and 3. How many tetravalents are formed if translocation occurs in chromosome 2 and 3? तो अब ध्यान से देखिए टेट्रावेलेंट क्या होता है, ध्यान में लाइए टेट्रावेलेंट क्या होता है, और इसका आंसर है ए, एक ही टेट्रावेलेंट फॉर्म होता है. आइसोक्रोमोसोम इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. इन आइसोक्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहां में होता है? होता है सेकेंडरी ट्राइसोम. आइसोक्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम माना जाता है सेकेंडरी ट्राइसोम. Recombination is half of crossing over. Q. Because. क्योंकि 50% recombination होते हैं. Homologous pair separate? No. At the time of crossing over, among four strands, only two strands take part in crossing over. Answer C. Option C है. Multiple alleles in diploid organism. देखिए, multiple alleles in diploid organism. Always two alleles express. हमेशा दो allele express होते हैं. Maybe two alleles express. हो सकता है कि दो ही alleles express हो, या फिर multiple alleles express. तो diploid organism में multiple alleles जब आते हैं, तो maybe two alleles express हो सकता है. Maybe two alleles. P. Landrasses have broad genetic base और narrow genetic base. ये easy है. Broad genetic landrasses broad genetic base होता है. Sewer test of chickpea is due to malic acid and oxalic acid. It is the easy one. Disadvantage of RAPD analysis. RAPD randomly amplified polymorphic DNA. ये analysis में disadvantage क्या है? Tedious है, costly है, लो रिप्रोड्यूसेबल है, या हाई थ्रू आउटपुट सीक्वेंस. ये है आंसर ऑप्शन सी, लो रिप्रोड्यूसेबल. पेडिग्री मेथड इज गिवन बाय. पेडिग्री मेथड किसने दिए? लोवे, हैरिंगटन, जॉनसन और वेविलो. यस, इट इज ऑप्शन ए, एचएच लोवे. पीसीआर यूज्ड इन एसएनपी एनालिसिस. SNP analysis में कौन सी PCR use होती है? RT, nested, anchored और touchdown. Option B, nested PCR. Extension of NCT3 is, it is a triple test cross. Recurrent selection for GCA, it's incomplete dominance. XOXX system is found in grasshoppers. ह्यूमंस में कौन सी पाई जाती है? यस, एक्स वाई. सेक्स इन्फ्लुएंस्ड रिसेसिव ट्रेट. देखिए, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड रिसेसिव ट्रेट इनहेरिट फ्रॉम किस से किस में जाता है? इट इज बी फादर टू सन. थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियोस में लेके आता रहूंगा. थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट. प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए. थैंक यू सो मच.